अगर आप कार को लॉक अनलॉक इस रिमोट से करते हैं, यानी आपका रिमोट से गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए। और ऐसे तीन फीचर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है, पूरा देखिएगा, बिल्कुल न्यू फीचर्स बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो आपको रिमोट के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए, इसमें तीन बटन दिया रहता है, लॉक, अनलॉक और एक ये वाला होता है कार लोकेटर बटन। ओके, तो ये तीन बटन दिया रहता है। तो इसका क्या काम होता है, ये लॉक बटन से गाड़ी को लॉक करते हैं और ये अनलॉक बटन से गाड़ी को अनलॉक करते हैं और कार लोकेटर बटन से गाड़ी को लोकेट करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि आपका गाड़ी बहुत ही कोई ऐसा पार्किंग एरिया में आपने खड़ा कर दिया जहाँ कि कुछ समय पहले तो बहुत कम कार था, तो आपने लगा दिया गाड़ी, लेकिन आप जाते हैं मार्केट, फिर वहाँ से आते तो देखते खूब सारा गाड़ी लगा हुआ और आपको समझ नहीं आ रहा मेरा गाड़ी किधर है ना। ऐसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को गाड़ी खुद बता दे कि वो कहाँ पर है, तो वो भी फीचर्स इसमें दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप पता कर सकते हैं ये जो कार लोकेटर बटन है उससे। अगर आप में ये कार लोकेटर बटन नहीं है लाल वाला, तो आप लॉक अनलॉक को भी एक साथ दबाएंगे तो भी वही काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। तो ये मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल लॉक है, खुलेगा नहीं। अब मान लीजिए कि आप कहीं से आएँ और आपको जानना है कि मेरा गाड़ी किधर है। ठीक है, तो ये जो कार लोकेटर बटन है इसको जब आप कम से कम 4-5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे लगातार, तो क्या होगा कि आपका जो गाड़ी में जो सायरन है और जो लाइट है एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो है कम से कम 30 सेकंड तक लगातार आवाज़ करेगा और जलते रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा मेरा गाड़ी कहाँ पर है। तो जैसे मैं इसको 5 सेकंड के लिए दबाता हूँ लगभग, तो ये देखिए बहुत अच्छा से आवाज़ करने लगा है। और इसको अगर आपको बंद करना है तो क्या करेंगे, फिर से वही कार लोकेटर बटन दबाएंगे। तो एक्टिवेट करना है तो फिर ये वाला बटन दबाएंगे, और इसको डीएक्टिवेट करना है तो फिर ये कार लोकेटर बटन दबाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा मेरा गाड़ी कहाँ पर है आराम से। तो वाला फीचर्स आपको पता चल जाएगा मेरा गाड़ी कहाँ पर है, और आप आराम से अपना गाड़ी को अनलॉक करके फिर जाते चलते बनिए फिर जहाँ जाना। और गाड़ी में एक और अच्छा फीचर मिलता है कि जैसे कि आपने गाड़ी को अभी तो लॉक कर दिया मैंने, तो जब गाड़ी लॉक रहता है तो आपका जो ये वाला जो रहता है, ये जो डोर का जो ये वाला चीज़ होता है, ये होता है लॉक। ठीक है, और जैसे अनलॉक करते हैं तो ये देखिए ये जो है ट्रिगर होकर किधर आ जाता है, फिर जब लॉक करते हैं तो वो उधर चल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डोर लॉक अनलॉक को ये करने में काम आता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं, अगर आप गलती से गाड़ी को खोल देते हैं, आपका आपको चाहते नहीं थे कि गाड़ी को मेरे को डोर खोल देना है, तो इसमें एक फीचर दिया रहता है कि 20 सेकंड तक अगर आप गाड़ी को अनलॉक करने के बाद भी डोर नहीं खोलते हैं कोई भी, तो गाड़ी क्या होगा, अपने आप लॉक हो जाएगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा गाड़ी जो है अभी लॉक स्टेज में है, आप देखेंगे यहाँ पर ये इधर है, लॉक है। अब मैं चलिए इसको अनलॉक बटन दबा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अनलॉक बटन दबा दिया और सब गाड़ी का दरवाज़ा जो है खुल गया है। अब आप 20 सेकंड वेट कीजिए और देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या हुआ, खुद ब खुद जो है ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको दरवाजा अपना जो गाड़ी का जो डोर होता है उसको ओपन नहीं किया। तो 20 सेकंड वेट करते हैं, देखते हैं। ये देखिए खुद ब खुद, मैंने कुछ किया नहीं, ये खुद ब खुद लॉक हो गया। तो ये भी एक फीचर्स, बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।